अगर आप आए हैं तो हजरतगंज ज़रूर देखिएगा। हजरतगंज, जी हाँ, ये खूबसूरत चमकता हुआ बाज़ार जो आपको दिखाई दे रहा है, नहीं, ये सभी यहाँ के लोगों की खुशियाँ हैं और यहाँ जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए दुकानें, ये सभी यहाँ के लोगों की खुशियाँ हैं और यहाँ जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए भी, क्योंकि जब आते हैं तो उनके अपने अनेकों बहुत सारी उनकी अपनी विशेज़ होती हैं, बहुत सारी डिमांड्स होती हैं जिसे पूरा करने के लिए ज़रूरी है, एक बाज़ार ज़रूरत होती है बाज़ार की, और ये वही बाज़ार है, खूबसूरत सजा हुआ बाज़ार आप देख सकते हैं। ये शोरूम जहाँ सगनमल और कलकत्ता रिगालिया और कलकत्ता स्टाइल जैसे बड़े शोरूम हैं जो काफ़ी पुराने ज़माने से लगातार चले आ रहे हैं। तो इस तरफ भी आप देखिए सड़क के दूसरी तरफ जहाँ PVR है, तो ये अगर आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो बड़े जो स्टेट्स हैं या दिल्ली और मुंबई की बात करें तो वहाँ जिस तरह पॉश कॉलोनीज हैं, आप बांद्रा जाएंगे या आप कनॉट प्लेस जाएंगे तो आपको ऐसे ही खूबसूरत चमचमाती हुई सड़कें मिलेंगी जहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड जैसे कि सामने बाटा दिखाई दे रहे हैं आपको, या इससे पहले कैसियो रेडियो और दूसरे अलग अलग तरह के बड़े नाम जो अक्सर आप चाहते हैं कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करें। यहाँ पर गाड़ियाँ भी आपने देखा कि हर ब्रांड की गाड़ी यहाँ से गुजर रही है सड़क से, तो निश्चित ही ये तस्वीर है उस आज की और उस कल की जिसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश एक बार फिर से एक नए आयाम को छुएगा और PC ज्वेलर लगातार हमेशा की तरह सभी की शादियों में खुशियां बिखेरता रहेगा, क्योंकि दुल्हन कोई भी हो, चाहे ब्राइड हो या ग्रूम हो, जेवर सभी को पसंद होते हैं और मुझे भी पसंद है और आपको भी पसंद है। तो यहाँ आपको बाज़ार दिखाना मेरा मकसद नहीं था, मेरा मकसद था आज जब योगी आदित्यनाथ ने शपथ ग्रहण की है और सेकेंड इनिंग खेलने जा रहे हैं, वो भी वहाँ से शपथ ग्रहण उन्होंने जिस तरह से की है उस वो भी बड़ा रोमांचकारी है, क्योंकि एक क्रिकेट स्टेडियम के अंदर इतने सारे लोगों को जमा करके जब आनंदी बहन ये कहती हैं मैं, और वहाँ से योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि मैं संविधान का पालन करूंगा और इस लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए सारे प्रयास करता रहूंगा।